फ़ोन यहीं भूल के चला गया। एक ऑफिस होता है जिसे मकतब कहते हैं, तो किसी का सामान छूट जाए ना वहाँ जा कर के रख देते हैं। हमारे साथ हैं दानिश भाई, ये मुंबई रत्नागिरी से हैं। दोस्तों मैं 10 दिन के लिए सऊदी अरब गया हुआ था, वहाँ मेरे साथ बहुत सारे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुए। मैं सारे एक्सपीरियंस आगे की वीडियोस में धीरे धीरे बताऊंगा। फ़िलहाल अभी मैं जिस एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने वाला हूँ वो मस्जिद आयशा का एक्सपीरियंस है। दैट्स वन ऑफ़ द फेमस मॉस्क ऑफ सऊदी अरेबिया। और वहाँ मेरे साथ दानिश भाई थे जिसे आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा, वो भी मेरी इस एक्सपीरियंस या फिर मेरी परेशानी में मेरे साथ थे। और वो एक्सपीरियंस ये था कि मेरा मोबाइल खो गया था मस्जिद के अंदर, तो मेरा मोबाइल मिला या नहीं मिला ये जानने के लिए अब देखिए आगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी मैं मक्का में हूँ और ये मस्जिद आयशा है। मैं यहाँ असर के बाद आया था नमाज के लिए, और नमाज के दौरान मैंने अपना फ़ोन और कैमरा रखा था नीचे सामने, और जब नमाज मैंने कंप्लीट किया उसके बाद फ़ोन यहीं भूल के चला गया। जाने के बाद मैंने उमरा किया, उसके बाद अभी तकरीबन 5:30 बजे मैं भूल के गया था यहाँ से। अभी तकरीबन बज रहे हैं 10:30, रात के 10:30 बज रहे हैं, और वापस आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का। और देख सकते हैं कि किस तरह हिफाजत की जाती है यहाँ हमारे सामानों की। बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से कोई सा भी सामान चोरी नहीं हो सकता है। भले ही यहाँ चोरी तो होता ही नहीं है, लोग भूल जाते हैं जैसे मैं भूल गया था। अल्लाह का शुक्र है मेरा फ़ोन तो मिल गया, किसी अच्छे इंसान के हाथ में पड़ा होगा। तो मकतब यहाँ, मकतब एक ऑफिस होता है जिसे मकतब कहते हैं, तो किसी का सामान छूट जाए ना वहाँ जा कर के रख देते हैं। क्या पता कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका नीयत ख़राब हो और वो अपने पॉकेट में फ़ोन डाल करके और ले करके चले जाए। हालांकि यहाँ तो सारे लोग इबादत करने के लिए आते हैं, अच्छी नीयत से आते हैं, तो ऐसा नहीं करते। लेकिन क्या पता कुछ 1-2 हज़ार में लाख में 1-2% ऐसा, 1-2 लोग ऐसा हो सकते हैं। तो अपने सामान का ख्याल खुद रखिए जब भी यहाँ आइए आप, तो अपने सामान का या कहीं भी जाइए, हर जगह ऐसा नहीं होता है जो आपके सामान की हिफाजत करते हो यहाँ के लोग या मकतब वाले या सफाई करने वाले लोग। तो अपने सामान का हिफाजत खुद करना सीखिए। जब उमरा करने के लिए आते हैं तो मीकात पे लोग नियत करने आते हैं, और सऊदी अरब में टोटल 5 मीकात है जिसमें से एक ये भी है, मस्जिद आयशा इसे कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा मेरा एक्सपीरियंस, कैसे मेरा मोबाइल छूट गया था और फिर मिल भी गया। अगर इसी तरह हमें भी किसी का कोई सामान मिले, या फिर वो मोबाइल हो या फिर और भी कुछ हो, कोई भी छोटी सी चीज़ें हो, तो हमें भी उस इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, कि क्योंकि ये छोटे छोटे बदलाव से हमारे कैरेक्टर का पहचान होता है, हमारे मुल्क का पहचान होता है। तो आप भी आज से वादा कीजिए कि आपके हाथ में किसी का भी कोई सामान आए तो उस इंसान तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।